नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो पॉइंट होता है उसकी प्रोजेक्शन किस किस तरह से पड़ती है। तो इसके अंदर हमने ये थर्ड क्वाड्रेंट बनाया है और इसकी हम तीन पोजिशन लेंगे। तो ये है यहाँ पर हमारा वर्टिकल प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये यहाँ पे वर्टिकल प्लेन है। इसी तरह से इसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। इसके बीच में ये जो है एक्स वाई, ये रेफरेंस लाइन है जिसके अबव और बिलो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा या फिर इसके ऊपर बनेगा, जो हम देखेंगे कि किस तरह से हम शीट के ऊपर ड्रा करेंगे। तो ये एक्स वाई लाइन है, तो ये एक्स वाई लाइन है। तो हमने तीन इसके अंदर लिए हैं जो जो पोजीशन है पॉइंट की। तो वो देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले है पॉइंट बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी। एक हमें थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो आप इस तरफ लेंगे, यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है या हम कहें कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जब जो ऑब्जर्वर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो भी आप लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, लाइन लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में प्लेन आता है। तो इसीलिए इसको थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। लेकिन इसको आप समझने के लिए, जो आपका ये ऑब्जर्वर है, आप इसको इस साइड ले सकते हैं ताकि आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आसानी से देख सकें कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ऑब्जर्वर को इस तरफ लेते हैं तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आता है। इसी तरह से जब टॉप व्यू को देखते हैं तो यहाँ भी प्लेन होता है। तो आपको इमेजिन करना पड़ता है कि इसका जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू कहाँ पे पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को इस साइड लेंगे, इस तरफ से इसको देखेंगे, इसको सिर्फ समझने के लिए। तो पॉइंट बिलो एचपी है और बिहाइंड वीपी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो पॉइंट है बिलो एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है और वर्टिकल प्लेन से पीछे है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे वो कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, देखिए जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो ये यहाँ पे पड़ेगा। अगर आप इस तरफ से देखते हैं, अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो इसकी जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा, यानी कि जो ए डैश है, जो कि फ्रंट व्यू है, उसकी जो हम नोटेशन देते हैं स्मॉल लेटर डैश के साथ देते हैं, तो ये वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगा। और जो अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो कहाँ पे पड़ेगा, ऊपर से देखते हैं, यानी कि जिसकी प्रोजेक्शन है यहाँ पे पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ए है, यानी कि टॉप व्यू बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कितना घुमाते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये जो टॉप व्यू है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, इसको देखिए कैसे ड्रा कर सकते हैं। आप लाइन लेंगे एक्स वाई, अब देखिए इसके ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने घुमाया तो ए ऊपर चला गया, यानी कि टॉप व्यू ऊपर चला गया और जो फ्रंट व्यू था वो नीचे था, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे था। तो ये इस तरह से ड्रा होगा अगर हमारा पॉइंट बिलो एचपी है और बिहाइंड वीपी है, तो एचपी से नीचे है, वीपी के पीछे है। तो इस तरह से इसको हम ड्रा करेंगे, टॉप व्यू ऊपर बन जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे बन जाएगा। अब देखिए दूसरी पोजीशन जो है बिलो एचपी इन वीपी। बिलो एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है लेकिन वीपी में है, तो वीपी में है कहीं, वर्टिकल प्लेन में है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन रहेगी। तो इसको हम देखिए किस तरह से ड्रा करेंगे, जब ऑब्जर्वर है हमारा वो इसको देखेगा तो वीपी में जो है फ्रंट व्यू तो वीपी में ही रहेगा। तो एक्स वाई लाइन को जब आप ड्रा करेंगे, ये एक्स वाई लाइन आपने ड्रा कर ली, तो वीपी के अंदर जो नीचे है फ्रंट व्यू तो यहीं पर रहेगा, यानी कि ए डैश यहीं पर रहेगा। और जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी, रेफरेंस लाइन पे। तो ए जो है बिल्कुल रेफरेंस लाइन पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए। तो इस तरह से एक्स वाई लाइन के जो रेफरेंस लाइन पे ए पे बिल्कुल टॉप व्यू बनेगा और वीपी पे फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि ए डैश यहाँ और ए यहाँ। तो इस तरह से इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा पॉइंट का। अगर तीसरी पोजीशन की बात करें हम, कि इन एचपी है, बिहाइंड वीपी है, जो ये तीसरी पोजीशन है इन एचपी बिहाइंड वीपी, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, क्योंकि देखिए इन एचपी है, इन एचपी, तो इन एचपी आपने ले लिया।
अब बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी तो ये इस तरफ भी हो सकता है क्योंकि वर्टिकल प्लेन ऊपर भी था, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको दिया होगा कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है या सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है, तो आप इसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होंगे अगर आपको दिया होगा। नहीं तो ये पॉइंट सेकंड में भी आ सकता है और थर्ड में भी आ सकता है। तो इन एचपी और बिहाइंड वीपी, तो वीपी से जो वर्टिकल प्लेन है ये सारा वर्टिकल प्लेन है इस तरह का, तो इससे पीछे है लेकिन एचपी में है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे, फ्रंट व्यू वैसे तो आप इस तरफ से देखेंगे इसको, तो यहाँ से जब इसका फ्रंट व्यू ड्रा होगा बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर होगा, ए डैश यहाँ पर बनेगा। तो यानी कि जब एक्स वाई आप लाइन लेंगे तो जो ए डैश है वो यहाँ पर बनेगा बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर, और जो इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू है जो यहाँ ये एच पी में ही था, जब इसको घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जो ये इसका टॉप व्यू है ये हमारा जाएगा ऊपर, तो टॉप व्यू हमारा चला जाएगा, ये सीधी लाइन आएगी ऊपर, तो ए ऊपर चला जाएगा, यानी कि टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा और जो फ्रंट व्यू है बिल्कुल यहाँ पर बनेगा। तो जो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, मेनली तो पोजीशन होती है थर्ड क्वाड्रेंट में ये, लेकिन अगर हम इस पोजीशन को लेते हैं इन एचपी और बिहाइंड वीपी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें आप दिया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम इस तरह से सेकेंड में बनाएंगे, अगर थर्ड में दिया होगा तो थर्ड में बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये थी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।